आज की वीडियो में बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड की तरफ से जो मैट्रिक का ऑफिशियल मॉडल से जारी किया गया है उसमें से इंग्लिश के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उसी प्रकार से मैंने सभी सब्जेक्ट का ऑफिशियल आंसर की मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड की तरफ से जितने भी मॉडल से जारी किया गया था उसका आंसर की मैंने अपलोड कर दिया हूँ। फिलहाल इस वीडियो में मैं इंग्लिश के 1 से लेकर 30 तक का आंसर दूंगा, उसी प्रकार से अगले वीडियो में मैं 31 से लेकर 60 तक का आंसर दूंगा, क्योंकि इस बार के पैटर्न के हिसाब से आप लोगों को 60% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है जिसमें से आपको 50% का आंसर ही देना है। तो कहने का तात्पर्य है कि 100 मार्क का एग्जाम हो रहा है तो 60 आपको ऑब्जेक्टिव देगा जिसमें से आपको किसी 50 का आंसर देना है। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आप तक पहुंचे एग्जाम के लिए, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकन आएगा उसे भी दबा दें। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को जो ऑब्जेक्टिव है 1 से 30 तक उसके बारे में आज चर्चा करा देता हूं और उसके बाद अगले वीडियो में मैं 31 से लेकर 60 तक का चर्चा कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है कि 1 से लेकर 60 तक का क्वेश्चन देगा जिसमें से आपको किसी 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, और देख सकते हैं यहाँ पे नंबरिंग भी किया गया है। उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि 1 से लेकर जो 36 तक का क्वेश्चन होगा वो आपके टेक्स्ट बुक से होगा, मतलब आपका आपके बुक से होगा। उसके बाद 36 के बाद जो है ग्रामर से लिया गया है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, व्हाट इज द सिचुएशन व्हेन द राइटर गोज टू सी द सिनेमा। जब सिनेमा देखने के लिए राइटर गया था वहाँ पे सिचुएशन क्या था, तो हॉपलेस था। क्या रहेगा? हॉपलेस। तो आप लोगों को याद रखना चाहिए कि जब राइटर गया था सिनेमा देखने के लिए तो वहाँ का सिचुएशन जो था वो हॉपलेस था। तो हॉपलेस इसका सही आंसर ऑप्शन बी। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, हु गॉट टायर्ड ऑफ गेटिंग एमएस ग्रेनी डू समथिंग फॉर इकोलॉजी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, जीम। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, 3रा क्वेश्चन, एवरीबॉडी वाज ऑस्टोनाइज बाय गिल्लू आंटीज एंड। इसको लाइन को पूरा करना है तो इसका जो सही आंसर होगा वो इंटेलेक्ट होगा, इंटेलेक्ट। ये आप लोगों को पोएम से लिया गया है तो इंटेलेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे 4था क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, सिनेमा ऑल्सो कम्बाइंस द कोल्ड डॉट 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 ऑफ साइंस। तो देखिए दोस्तों, इस लाइन को आप लोगों को पूरा करना है, जैसे यहाँ पे द सिनेमा ऑल्सो कम्बाइंस द कोल्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा तो लॉजिक ऑफ साइंस, क्या होगा लॉजिक ऑफ साइंस। इस लाइन को पूरा करना है तो लॉजिक ऑफ साइंस कहाँ पे है, लॉजिक तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, लॉजिक। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, और 5वां जो है वो MVVI क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे जरूर याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे द नोबेल पीस प्राइज टू अंग सन सी क्यू वाज अप्लाइड, तो देखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो इंटरनेशनली नोबेल प्राइज उसको मिला था, तो इंटरनेशनली तो अंतर्राष्ट्रीय मिला था, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद 6वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, द ओल्ड वुमेन इज अ डॉटर ऑफ, जो ओल्ड वुमेन थी वो किसकी डॉटर थी, तो आप लोग को याद रखना है कि स्लेब्स, स्लेब्स इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी स्लेब्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, यहाँ पे है डॉट 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 इज कॉमन इज ऑल कल्चर, तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, तो यूनिटी इज कॉमन इन ऑल कल्चर, तो ऑप्शन जो है सी जो देख रहे हैं आप, यूनिटी, वो सही आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, व्हेन पीपल स्टार्टेड फाइटिंग अकुलिया एंड मालसा स्टार्टेड टू डिग डॉट डॉट डॉट, तो क्या, तो चैनल, क्या होगा, जब पीपल जो है स्टार्ट किया था फाइटिंग तो अकुलिया एंड मालसा जो था वो स्टार्ट किया था अपने चैनल, तो चैनल इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, द सोर्स ऑफ लाइट इन द इवनिंग इन विलेज इज द, इसके बाद डॉट 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 है। देखिए इसके कहने का तात्पर्य यह है कि जब विलेज में इवनिंग हो जाता है तो लाइट का सोर्स क्या है, जैसे यहाँ पे है टॉर्च, इसके बाद यहाँ पे है सन, तो ये तो होगा ही नहीं सन, उसके बाद यहाँ पे है मून बीम्स, उसके बाद यहाँ पे बल्ब। तो देखिए दोस्तों, जब विलेज में लाइट अंधेरा हो जाता है तो वहाँ पे मून बीम्स का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब चंद्रमा के जो तारे होते हैं उसका, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, द स्पीकर इन द पोएम ओल्ड ऑन सिट्यूड वांट्स टू लाइव,
इसके बाद यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, तो आप लोगों को याद रखना चाहिए कि यहाँ पे अनसीन जो है वो भी होगा, अननोन भी होगा, उसके बाद यहाँ पे ये सभी होगा, इसीलिए इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, द पॉलीथीन बैग नेवर गेट्स डॉट 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 इन द अर्थ। तो देखिए दोस्तों, द पॉलीथीन बैग नेवर गेट्स, इसके बाद यह खाली स्थान में क्या होना चाहिए, तो आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पे डिसोल्व जो है वो सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, हेल्थ एंड वर्च्यू कैन बी फाउंड इन द, देखिए यहाँ पे इस लाइन को भी पूरा करना है, तो हेल्थ इज वर्च्यू कैन बी फाउंड इन द, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हॉस्पिटल। जब हम लोगों का हेल्थ खराब हो जाता है तो हमें कहाँ जाना चाहिए, तो सही करने के लिए तो हॉस्पिटल, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उसके बाद इसको भी पूरा करना है लाइन को, जैसे यहाँ पे दिया गया है डॉट 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 ब्रोड्स ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, तो यहाँ पे कह रहा है कि डॉट 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 कौन, तो इसमें आप लोगों का जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आपको मधवा, लेकिन मधवा आप देख सकते हैं इसमें नहीं है, तो इसीलिए आप लोगों को ऑप्शन ए याद रखना है, राधा, क्या नाम रखेंगे, राधा, तो राधा इसका सही आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है, द रिच मैन वांटेड टू आइट्स पॉट बी फाइल्ड विथ, तो इस लाइन को भी पूरा करना है, तो इसका हो जाएगा फाइट विथ गोल्ड, फाइल्ड विथ गोल्ड, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी गोल्ड। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, जो कि 15 नंबर क्वेश्चन है, फ्लीज एंड डॉट डॉट इन्फेक्ट द बॉडी ऑफ द पोर्टर, तो इस लाइन को भी आप लोगों को पूरा कर रहे हैं, तो फ्लीज एंड इंसेक्ट होगा, क्या होगा, इंसेक्ट इन्फेक्ट डॉट डॉट द बॉडी ऑफ द पोर्टर, तो ऑप्शन जो आप देख रहे हैं डी वो सही आंसर है, इंसेक्ट, तो आप लोग इस लाइन को पूरा कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मार्थाज ब्यूटी हुड डॉट 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 एज हर वॉइस रैन आउट, तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो आप लोगों को 16 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी फेड, तो फेड इसका सही आंसर है। उसके बाद यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हल्कू वार्म हिमसेल्फ बाय वोरिंग सम डॉट डॉट डॉट, तो इस लाइन को भी पूरा करना है, तो यहाँ पे है लिप्स होल्ड पेपर ग्रास, तो देखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो 17 का ए होगा, लिप्स, तो लिप्स इसका सही आंसर है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, एलर्जी इज अ मलफंक्शन ऑफ द ह्यूमन डॉट 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 सिस्टम, तो एलर्जी जो है मलफंक्शन का कौन सा सिस्टम है, तो इम्यून सिस्टम है, इम्यून, तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एम्प्लॉयमेंट द लॉयर प्लेज द, तो लॉयर जो है वो क्या खेल रहा था, तो आप लोगों को याद रहना चाहिए प्लेज जो पैनो चला रहा था, क्या पैनो, पैनो, इसका डी जो है वो सही आंसर है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, 20 नंबर क्वेश्चन है, द ऑथर न्यून मिस्टर जेसलर सिंस हीज, इसके बाद ये आगे में खाली स्थान है वो क्या होना चाहिए, तो आप लोगों को याद रखना है कि मिस्टर जेसलर जो था वो एक्सटर्मी यूथ जैसे ऑथर थे, तो एक्सटर्मी यूथ, तो एक्सटर्मी यूथ है, यूथ रहे तो वो भी सही आंसर है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखेंगे, तो देखिए दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन में जैसे दिया गया है और यहाँ पे डॉट 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 वाज रिकॉग्नाइज एट द हाउस ऑफ सन एंड मून, तो आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पे पार्टी रहता ऑप्शन में, तो पार्टी होता, लेकिन पार्टी नहीं है, इसीलिए आप लोगों को मीटिंग याद रखना है, क्या रखेंगे, मीटिंग, तो मीटिंग इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, यहाँ पे द डॉटर इन टू हॉरिजन परफॉर्म हर डॉटी विदाउट अ वर्ड ऑफ, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, एंजर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, 23 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे जरूर याद रखेंगे, द नरेटर इन लव डिफेल्ट वाज अ डॉट 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 मैन, तो जो नरेटर था लव डिफेल्ट वो बोल्ड मैन पर आधारित था, बोल्ड मैन, तो बोल्ड मैन इसका सही आंसर होगा बोल्ड, ऑप्शन डी। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, 24 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे जरूर याद रखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अंग सन सी क्यू कुड नॉट एक्सेप्टेड द नोबेल पीस प्राइज हर सेल्फ बिकॉज सी वॉज इन, इसके बाद यहाँ पे डॉट डॉट वो कहाँ था, तो यहाँ पे है पर्सन, इसके बाद ऑफिस, हॉस्पिटल, कोमा, तो देखिए दोस्तों वो क्यों नहीं एक्सेप्ट किया नोबेल पीस प्राइज को, तो आप लोगों को याद रखना है कि वो जो था वो पेरिसन में था, क्या पेरिसन, पेरिसन इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि एन इंडियन फिल्म शुड स्ट्रेट क्लियर ऑफ। तो देखिए एन इंडियन फिल्म जो है स्ट्रेट क्लियर ऑफ है, उसका आंसर जो आप देख रहे हैं बी, वो सही आंसर है ऑप्शन बी। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। 26 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, गिल्ली वाज ब्राइट अंडर द डॉट डॉट प्लांट्स। तो देखिए दोस्तों गिल्ली वाज ब्राइट कौन से प्लांट को लगाया हुआ था, जैसे यहाँ पे तुलसी, उसके बाद यहाँ पे है द द हल्या, उसके बाद यहाँ पे है संजूही, उसके बाद रोज। तो आप लोगों को सही आंसर जो याद रखना है वो संजूही याद रखना है, संजूही इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, और 27 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे है हाउ डज द ऑथर इन द पेस फॉर लिविंग, क्या द पेस फॉर लिविंग डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज अ थिंकर। तो पेस फॉर लिविंग के जो थिंकर थे वो स्लो थे, क्या थे स्लो, तो स्लो थिंकर। तो आप लोगों को इसे याद रखना है ऑप्शन ए स्लो थिंकर, तो 27 का क्या हो जाएगा ए। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अंग सन सी क्यू फॉट फॉर डॉट डॉट फ्रॉम टायरेनी। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी जो देख रहे हैं आप, वो सही आंसर है। तो आप लोग इसे सही से याद रखेंगे कि ईमान इमानसिपेशन, इमानसिपेशन, तो इमानसिपेशन आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन बी। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है द स्प्राइट ऑफ डॉट डॉट हैज केप्ट इंडियन कल्चर इंटैक्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो भी बी होगा, क्या होगा 29 का बी, तो 29 का बी हो जाएगा टोलेरेशन, टोलेरेशन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद में 31 के और 32 से आगे की वीडियो में आप लोगों को अगले पार्ट में बताऊंगा। तो यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन है, जैसे अकुलियाज मदर हिज मलसाज एट द बैक ऑफ हर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे है नेक हैंड्स हेड लेग्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, क्या होगा ऑप्शन ए नेक। तो आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन ए नेक। उसके बाद 31 के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ऐसे 31 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे आप लोगों को याद होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।